उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर मनीष जगन अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनीष जगन की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस की टीम लखनऊ में छापेमारी कर रही है। छापेमारी में लखनऊ पुलिस की मदद ली जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनीष जगन मोबाइल बंद कर फरार है। पुलिस को अभी तक उसके बारे में कोई क्लू नहीं मिल सका है। पुलिस ने मनीष जगन के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। सपा की बर्खास्त नेत्री ऋचा सिंह ने मनीष जगन के खिलाफ प्रयागराज में 2 FIR दर्ज कराई हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर विवादित टिप्पणी किए जाने के मामले में केस दर्ज कराया गया है। मनीष जगन इससे पहले जनवरी महीने में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तब उसे छुड़ाने के लिए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद DGP ऑफिस पहुंचे थे। गौरतलब है कि ऋचा सिंह ने मनीष जगन पर अभद्रता करने के आरोप में FIR दर्ज कराई है। ऋचा सिंह ने प्रयागराज के शिवकुटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। प्रयागराज पुलिस ने ऋचा सिंह की शिकायत पर IPC की धारा 509 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया है। इसके पहले ऋचा सिंह ने इसी थाने में मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ 18 अगस्त को भी केस दर्ज कराया था। ऋचा सिंह के खिलाफ मनीष जगन ने एक्स पर काफी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद ऋचा सिंह ने मनीष अग्रवाल के खिलाफ 5 दिनों में प्रयागराज के शिवकुटी थाने में 2 FIR दर्ज कराई है। मनीष ने 18 अगस्त को ट्वीट कर ऋचा सिंह का सीधे तौर पर नाम लिए बिना उसके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां की थी, जिसमें मनीष ने ऋचा सिंह के लिए सुपनखा, आइटम व कूड़ा कचरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडलर मनीष जगन अग्रवाल, जिसने पिछले दिनों मेरे पर बहुत अभद्र, अश्लील एवं महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां की, जिसके चलते मैंने 17 तारीख को एक FIR दर्ज कराई थी थाना शिवपुरी में। इसके बाद भी सोशल मीडिया हैंडलर यहीं पे नहीं रुका। FIR होने के बाद उसने पुनः महिलाओं के नाम पर और मेरे नाम पर अभद्र अश्लील टिप्पणियाँ की। महिलाओं को आइटम कहकर, कूड़ा कचरा उपयोग करने वाला, इस्तेमाल करने वाले शब्दों से उनको संबोधित किया। इसी क्रम में मेरे द्वारा कल 23 तारीख को एक और FIR थाना शिवकुटी में दर्ज कराई गई है। हम लोग उत्तर प्रदेश की पुलिस से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर मनीष जगन अग्रवाल है, इसकी गिरफ्तारी की जाए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम कहना चाहते हैं कि वो लगातार जिस तरीके से मनीष जगन अग्रवाल जो महिलाओं की अस्मिता को संगठित रूप से न सिर्फ ठेस पहुंचाता है, बल्कि उसको तार तार करने का काम कर रहा है, तो क्या यह समझा जाए कि समाजवादी पार्टी के निर्देश पर और अखिलेश यादव जी के संरक्षण में ये हो रहा है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक मनीष जगन अग्रवाल पर, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ ना तो कोई कार्यवाही की गई, बल्कि उसको संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, वही मनीष जगन अग्रवाल है जिसके ऊपर जनवरी में एक कुछ अन्य महिलाओं के द्वारा FIR कराई गई थी और जिसपे स्वयं अखिलेश यादव उसको बचाने के लिए लखनऊ DGP ऑफिस पहुंच गए थे। और उसका परिणाम आज ये हुआ कि वह लगातार महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करना जारी रखते हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।